हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे मैं प्राणेश टेक टू डीप के आज के संडे स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बेस्ट स्मार्टफोन्स टू बाय अंडर 10,000, 10,000 के नीचे वो कौन से स्मार्टफोन्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए खरीदने के पहले। और ये जो इसमें जो इस लिस्ट में जो आपको मैं स्मार्टफोन्स बताने जा रहा हूँ, ये सारे वो जो 1 अप्रैल के बाद जो 18% GST स्मार्टफोन्स पे लग चुका है, ये वो उसके प्राइस जो बढ़ चुका है, उसके बाद जो 10,000 के अंदर है वाले मॉडल्स में आपको इसमें सजेस्ट करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत करते हैं हमारी लिस्ट के पहले फ़ोन से, जो कि है Xiaomi का Redmi 8A Dual, जो आपको सिर्फ एक मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा। 3 GB रैम के साथ 32 GB इंटरनल मेमोरी आपको इसमें देखने को मिलती है और ये मिलता है आपको मात्र 7,999 रुपये का। इसमें आपको 6.22 इंच की HD+ रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन देखने को मिलती है। 5,000 mAh की बैटरी है इसके अंदर, जो 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और उसमें आपको टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और उसमें आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 413 वाले प्रोसेसर, जो कि आप इसमें हेवी गेमिंग नहीं कर सकते पर डे टू डे यूसेज के लिए अच्छा प्रोसेसर है। और उसमें आपको रियर में दो कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे, एक तो 13 MP का और एक 2 MP का। और आपको फ्रंट में इसको वाटर टियर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 8 MP का कैमरा। और सबसे बड़ी बात, इस फ़ोन के अंदर डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट है, मतलब आप 2 SIM के साथ मेमोरी कार्ड सेम टाइम पे यूज़ कर सकेंगे। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आपको नहीं मिलती है जो Xiaomi के दूसरे फ़ोन्स में मिलती है, वो है फिंगरप्रिंट सेंसर, इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, और IR ब्लास्टर, जिसको हम इंफ्रारेड सेंसर भी कहते हैं, वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अब चलते हैं हमारी लिस्ट के दूसरे फ़ोन की तरफ, जो कि Xiaomi का ही है। आप जो नेक्स्ट फ़ोन ले सकते हैं वो है Xiaomi का Redmi 8, ओनली Redmi 8। ये आपको एक मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलता है फिलहाल, सिर्फ 4 GB रैम के साथ 64 GB इंटरनल मेमोरी आपको इसमें देखने को मिलती है। ये आपको मिलता है 8,999 रुपये का। ये जो सारे मैं आपको प्राइसेस बता रहा हूँ, ये 18% GST जो 1 अप्रैल से लागू हुई है फ़ोन्स में, उनके बाद के ही प्राइस हैं, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं खरीदने के पहले। Redmi 8 में आपको देखने को मिलता है 6.22 इंच की HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले, वही LCD डिस्प्ले ही मिलेगी आपको, क्योंकि जो हमारा 10,000 का बजट सेगमेंट है, इसमें आपको किसी भी फ़ोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। और उसके अंदर आपको Redmi 8 में आपको 5,000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, विथ 18W की फास्ट चार्जिंग आपको उसमें देखने को मिलती है, और टाइप सी पोर्ट आपको उसमें भी देखने को मिलेगा। Xiaomi के फोन्स में ये बात अच्छी है, हमें Xiaomi के सारे फोन्स में टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, फास्ट चार्जिंग में बहुत हेल्प करता है ये पोर्ट। और उसके अंदर भी आपको वही स्नैपड्रैगन का 413 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। पीछे रियर कैमरा आपको 2 देखने को मिलेंगे इसमें, एक तो है 12 MP का, दूसरा है 2 MP का। फ्रंट में आपको इसमें 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको मिलता है डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट, मतलब आप इसमें भी 2 SIM के साथ मेमोरी कार्ड सेम टाइम पे यूज कर सकेंगे। और इसमें आपको क्या अच्छा मिलता है Redmi 8 Dual से, Redmi 8 में आपको उसमें फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि रियर में 2 कैमरे के नीचे है, और आपको इसमें IR ब्लास्टर देखने को मिलता है, जिसको हम इंफ्रारेड सेंसर भी कहते हैं। मैं अपने उन दोस्तों को बता दूं जो नहीं जानते IR ब्लास्टर या इंफ्रारेड सेंसर एक फ़ोन में क्या काम आता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये आपको सिर्फ Xiaomi के फोन्स में देखने को मिलता है, और किसी भी ब्रांड में IR सेंसर देखने को नहीं मिलता है। तो Xiaomi का फोन जो लोग खरीदते हैं उनके पास एक प्लस पॉइंट एक्स्ट्रा रहता है कि उनको IR सेंसर मिलता है। अब ये सेंसर करता क्या है, आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो रिमोट से ऑपरेट होते हैं, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, आपकी स्मार्ट टीवी हो गई, या नॉर्मल टीवी हो गई जो CRT टीवी पहले आती थी, या जैसे सेटअप बॉक्स हो गया, ये सब चीज़ें रिमोट से ऑपरेट होती है। तो इन सारी डिवाइसेस को आप अपने Xiaomi के उस फोन से ऑपरेट कर सकते हैं जिसके अंदर IR ब्लास्टर या इंफ्रारेड सेंसर मिलता है। अब चलते हैं लिस्ट में हमारे तीसरे फ़ोन की तरफ, जो कि है Xiaomi का ही Redmi Note 8। लेकिन इसके लिए आपको 10,000 रुपये में नहीं मिलेगा ये फ़ोन अभी, ये GST प्राइस एक के पहले 10,000 का था, लेकिन अब चूंकि 1 अप्रैल से स्मार्टफोन्स पे GST 18% हो गया है, तो ये फ़ोन आपको अब इंडियन करेंसी में देखने को मिलता है 10,999 रुपये, मतलब 11,000 का ये फ़ोन आपको मिलता है। लेकिन ये फ़ोन क्यों अच्छा है वैल्यू फॉर मनी में, हमने इसको लिस्ट में क्यों डाला है अंडर 10,000 में, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है 4 GB रैम के साथ 64 GB इंटरनल, जो कि LPDDR4X रैम है। इसकी जो रैम है LPDDR4X है, जो पहले दो फोन से Xiaomi के उसके अंदर आपको LPDDR3 रैम देखने को मिलती है। LPDDR4X रैम LPDDR3 से 10 टाइम्स फास्टर परफॉर्म करती है, और उसमें आपको देखने को मिलेगा 6.3 इंच का फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला नॉर्मल IPS LCD डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगा। 4,000 mAh की बैटरी है, ये भी 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें भी आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, इसके अंदर भी आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा। ये आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के 665 वाले प्रोसेसर पे, जो कि पहले के दो फोन से थोड़ा सा पावर एफिशिएंट है, गेमिंग के लिए ठीक प्रोसेसर है। और उसमें आपको पीछे रियर में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि प्राइमरी जो सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का है,
दूसरा सेंसर 8 मेगापिक्सल है, बाकी 2-2 मेगापिक्सल के दो सेंसर हैं। और फ्रंट में आपको इसमें देखने को मिलेगी 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसमें भी आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और IR ब्लास्टर देखने को मिलता है। अब चलते हैं हमारे लिस्ट में अगले फ़ोन की तरफ, जो कि Realme का है। ये भी अच्छा फ़ोन है, Realme C3। ये आपको दो मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा, 3GB रैम के साथ 32GB इंटरनल, जो कि आपको देखने को मिलता है 7,499 रुपये का। और एक और वेरिएंट है इसके अंदर 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल, जो कि आपको देखने को मिलेगा 8,499 रुपये में। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी 6.5 इंच की HD+ रेजोल्यूशन वाली, इसमें भी नॉर्मल IPS LCD पैनल ही आपको देखने को मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी है इसमें, लेकिन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इस फ़ोन में नहीं है, तो ये बात आपको खरीदते समय ध्यान रखना है। 5000 mAh की बैटरी तो है, लेकिन ये नॉर्मल 10W की चार्जिंग को ही सपोर्ट करेगा। और इसमें आपको सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, Type-C पोर्ट नहीं देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको Micro USB पोर्ट चार्जिंग के लिए देखने को मिलेगा, जो कि बहुत स्लो चार्ज करता है पुरानी टेक्नोलॉजी जो पहले स्मार्टफोन्स आया करते थे। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, इस फोन में आपको एक तो फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है और Type-C पोर्ट चार्जिंग के लिए नहीं मिलता है। और इसमें आपको MediaTek का Helio G70 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा प्रोसेसर है, पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। इसमें भी रियर में आपको दो कैमरा देखने को मिलेंगे, 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का सेंसर आपको देखने को मिलेगा। सेल्फी में ये फोन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको इसमें देखने को मिलता है, जो कि बिलो एवरेज फोटोज देता है। और इसमें भी आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा। और इसमें भी वही बात है, आपको इसमें फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर या IR ब्लास्टर तो Realme के किसी भी फोन में आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। अब चलते हैं अगले फोन की तरफ, जो कि Realme का ही है। आप 10,000 के नीचे Realme का 5i भी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि आपको 4GB रैम वाला वेरिएंट, 64GB इंटरनल मेमोरी वाला आपको मिलता है 9,999 रुपये का। इसमें क्या प्लस पॉइंट है पहले वाले फोन से, इसमें भी आपको 6.5 इंच की HD+ रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन ही देखने को मिलती है। 5000 mAh की बैटरी इसमें भी है, लेकिन 10W की चार्जिंग सपोर्ट करता है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। इसमें भी आपको Micro USB वाला पोर्ट ही देखने को मिलेगा, Type-C पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको प्रोसेसर थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है, जो कि है Qualcomm का Snapdragon 665 वाला प्रोसेसर, जो कि नॉर्मल गेमिंग के लिए ठीक ठाक प्रोसेसर है। इसमें रियर में आपको 4 कैमरा देखने को मिलेंगे। पहला जो प्राइमरी सेंसर है वो 12 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी है जो वो 8 मेगापिक्सल का है, और उसके अलावा 2-2 मेगापिक्सल के दो सेंसर हैं। फ्रंट में आपको इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक कैमरा मिल जाता है, जो कि 8 मेगापिक्सल का सेल्फी आपको कैमरा मिल जाता है फ्रंट में। इसमें आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, IR ब्लास्टर केवल Xiaomi के फोन्स में आता है और किसी भी ब्रांड के फोन्स में नहीं आता है। तो Xiaomi के पास एक एडवांटेज है Xiaomi का फोन लेने वालों के लिए, कि आपको उनको एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलता है, जो किसी फोन में देखने को नहीं मिलता है। अब चलते हैं हमारे लिस्ट में अगले फ़ोन की तरफ, जो कि है Infinix का। अब आप लोग सोच रहे होंगे, मैंने Infinix ब्रांड को इस लिस्ट में क्यों लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी एक बहुत अच्छा ब्रांड है। इसकी जो डिवाइसेस हैं उनका बिल्ड बहुत सॉलिड होता है और फ़ोन का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है, इसलिए मैंने Infinix को अपनी इस लिस्ट में लिया है। तो कौन सा है वो मॉडल जिसको आप 10,000 के नीचे खरीद सकते हैं, वो है Infinix का S5 Lite, जो कि 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल मेमोरी वाला, मात्र आपको 8,499 रुपये में मिलता है। इस पूरी लिस्ट में कोई भी फ़ोन नहीं है जो आपको 8,499 रुपये में 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल मेमोरी का कॉन्फ़िगरेशन देता हो। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा 6.6 इंच की HD+ रेजोल्यूशन वाली, वही नॉर्मल IPS LCD डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगी। 4000 mAh की बैटरी है, 10W की चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत प्राइस लो है इस फोन की, तो फास्ट चार्जिंग कैसे मिलेगी अपने को। और इसमें भी आपको वही Micro USB पोर्ट देखने को मिलता है, Type-C पोर्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि 8,500 में फ्रेंड्स अपने को और क्या मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें फिर भी दे रहा है मेरे हिसाब से 8,500 में, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट में इसको कहूँगा इस पूरी लिस्ट का। और इसमें आपको देखने को मिलेगा MediaTek का Helio P22 वाला प्रोसेसर। इसमें भी आपको रियर में 3 कैमरा देखने को मिलेंगे, जो प्राइमरी सेंसर है वो 16 मेगापिक्सल का है, जो दूसरा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है, और जो तीसरा कैमरा है उनका कंपनी वालों ने मेगापिक्सल रिवील नहीं किया है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में इतना लिखा हुआ है लो लाइट सेंसर है, तो आप उसको 1 मेगापिक्सल से भी कम मान सकते हैं। जो फ्रंट में कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और उसके डिस्प्ले में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, इसमें आपको टॉप लेफ्ट में ऊपर कॉर्नर में पंच होल कैमरा आपको देखने को मिलेगा, और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो कि बहुत अच्छी सेल्फी देता है। इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, और ये फोन मेरे नज़र में वैल्यू फॉर मनी है इस पूरी लिस्ट का। अब चलते हैं हमारे लास्ट फोन की तरफ, जो कि हमारी लिस्ट का लास्ट फोन है। उसको मैंने लिस्ट में इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि वो वीवो ब्रांड का, वीवो भी एक अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, वीवो ब्रांड भी अच्छा है। ओप्पो से फोन्स वीवो के वैल्यू फॉर मनी होते हैं, और बिल्ड क्वालिटी में ओप्पो के फोन्स वीवो से सॉलिड होते हैं, पर ओप्पो का कोई भी ऐसा फोन नहीं है जो 10,000 के अंदर आपको वैल्यू फॉर मनी देता है, इसलिए मैंने इस लिस्ट में ओप्पो का कोई भी फोन नहीं लिया है। तो लास्ट प्रोडक्ट जो हमारी लिस्ट का है वो है वीवो का U10।
इसमें आपको 3 GB रैम के साथ 32 GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिलती है। इसका प्राइस है 9,999 रुपये, इसे थोड़ा ओवर प्राइस है मेरे हिसाब से। और जो दूसरा वेरिएंट है वो 3 GB रैम के साथ 64 GB इंटरनल मेमोरी वाला है, जो कि आपको मिलेगा 10,999 रुपये। आपको 10,000 में एक्स्ट्रा 1,000 डालना पड़ेगा, पर मेरे ख्याल से लास्ट जो फोन हमने जिसमें लिया है इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें स्पेक्स बता देता हूँ। जो लोग वीवो के फैन से एटलीस्ट उनको ये ऑप्शन मिल जाएगा, सजेशन मिल जाएगा मेरी तरफ से। इसमें आपको 6.35 इंच की HD प्लस रेजोल्यूशन वाली LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है 18W की, लेकिन जो टाइप सी पोर्ट्स में होना चाहिए उसकी जगह माइक्रो USB पोर्ट है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चार्जिंग स्लो ही होगी, भले फास्ट चार्जिंग है फिर भी, क्योंकि टाइप सी पोर्ट से चार्जिंग फोन में फास्ट होती है, माइक्रो USB से थोड़ी स्लो होती है। और इसमें भी आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 665 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। रियर में आपको इसमें 3 कैमरा देखने को मिलेंगे, 13 MP का, 8 MP का और 2 MP का, और फ्रंट में आपको 8 MP की सेल्फी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने जो पूरी लिस्ट आपको बताई है, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको 10,000 से नीचे वाली जो लिस्ट है आपको कैसी लगी। ये सारे फोन्स की जो प्राइस मैंने आपको इसमें बताया है, ये 1 अप्रैल के बाद जो 18% GST फोन्स पे लागू हो गया है, ये सारे उसके प्राइस बढ़ने के बाद हैं फोन्स। मेरे नज़र में ये लिस्ट सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके लिए हमने बहुत रिसर्च करी है, बहुत स्टडी करी है। और आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, घंटी वाले आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।